taken some lessons from your previous decision. मैंने देखा वहाँ पे कि audience को बहुत सारे questions पूछने थे, तो मैं कोशिश करूँगा, I'll try my level best to, you know, make some more space or more room for the audience to take up questions with you. और but मैं ऐसा कोशिश करूँगा, because again मैं I'll try to be less selfish, I'll be selfish for that, but because I have lots of questions to ask. एक सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, सो मैथोलॉजिस्ट, यू आर अ लेजेंड इन कंटेम्पररी मैथोलॉजिस्ट फॉर श्योर, दैट इज अनडाउटेडली थिंग. आई रिमेंबर यू सेइंग दैट द वर्ड मिथ डिराइव्स फ्रॉम मिथ्या, एंड आई ऑल्सो रिमेंबर यू सेइंग दैट मिथ इज समवेयर लाइज बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन. So it is, you said it once, that myth is someone's truth, but at least someone's truth. Should we not have a better word for mythologists? So you know, Shankaracharya had made a sentence called Jagat Mithya Brahma Satya. Yani ki jag mein har cheez mithya hai. So I think mithya is a good word. Satya sirf Brahma ko pata hai, ya judge ko pata hai, ya raja ko pata hai. सच वर्ड को हम बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बट इट इज आई मीन इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, इसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं. वर्ड इज साइंटिफिक वर्ड इज फैक्ट, इज इट ए फैक्ट. अगर किसी ने कहा कि शिर सागर यानी कि दूध का सागर, अभी इससे हम फैक्ट मानेंगे कि एक जगह है जहाँ पे दूध का सागर है, अनंत सागर है, या कोई कहेगा कि स्वर्ग का एड्रेस बताओ, नरक का एड्रेस बताओ, चित्रगुप्त के घर का एड्रेस बताओ, तो वो तो नहीं मिलेगा. तो आप उसे फैक्ट बताओगे, बोलेंगे नहीं नहीं हम कायस्थ हैं, चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, तो चित्रगुप्त का एड्रेस दीजिए. तो फिर क्या उसे फैक्ट बोलेंगे, फिक्शन बोलेंगे, कहाँ डालेंगे उसको? लाइब्रेरी की किताब, अगर आपको किताब दो चित्रगुप्त के ऊपर, तो आप उसे फैक्ट के सेक्शन में रखेंगे या फिक्शन के सेक्शन में रखेंगे? और उससे पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है. तो वैसी ही बात होती है कि जब हम भगवान की बात करते हैं, शैतान की बात करते हैं, क्या हम उसको हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स बोलेंगे? इज इट हिस्ट्री? गॉड इज नॉट ए हिस्टोरिकल कैरेक्टर. भगवान ने दुनिया को बनाया है, ये वैज्ञानिक सच नहीं है. तो विज्ञान की जब हम बात करते हैं, वहां शंका होती है, प्रमाण होता है, दो चीज, शंका और प्रमाण. जब हम संस्कृति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वहां शंका नहीं होता, विश्वास होता है. तो मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया दो प्रकार की होती है, शंकावादी और विश्वासवादी. शंकावादी की दुनिया विज्ञान की दुनिया है, फैक्ट की दुनिया है. विश्वास वाली दुनिया वो धर्म की दुनिया है, मिथोलॉजी की दुनिया है. क्या बेहतर है अगर मैं इसी बात से आगे बढ़ूं, तो साइंस इज अबाउट डिस्कवरिंग थिंग्स, बट अगर ये जगत ही मिथ्या है, तो व्हाट एग्जैक्टली आर वी डिस्कवरिंग? वी आर डिस्कवरिंग व्हाट इज प्रेडिक्टेबल, दैट इज ऑल. उतना ही डिस्कवरी होता है. साइंस इज वेरी सिंपल, साइंस इज बेस्ड ऑन डाउट, प्रेडिक्टेबिलिटी. नहीं, मुझे मेरा विश्वास है कि मैं अगर पहाड़ से कूदूं तो मुझे कुछ नहीं होगा. कूदो, बिकॉज प्रेडिक्टेबल क्या है, जितने लोग कूदे हैं वो मरे हैं. तो साइंटिफिक फैक्ट है कि तुम जब पहाड़ से कूदोगे तो तुम मरोगे. लेकिन दंत कथाओं में बताया गया है कि विश्वास से हम कूदे हैं तो भगवान हमको ऊपर स्वर्ग में लेते हैं. तो भी शंकावादी बोलेगा कि देखो मुझे डाउट है, शायद तू मर जाएगा, बिकॉज मेरे पास प्रमाण है और उसका एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है. विश्वासवादी बोलेगा मेरे पास विश्वास है कि भगवान मुझे उठा के ले जाएंगे स्वर्ग. तो अभी आप किस तरफ जाओगे, शंका की तरफ जाओगे, विश्वास की तरफ जाओगे? तो विश्वास की कहानी कितनी महान होती है ना, भगवान आ गए रथ में, हम इतने स्पेशल हैं कि हमारे लिए भगवान रथ लेके आएंगे और हम स्वर्ग लेके चले जाएंगे, या शायद नरक पाया स्वर्ग. तो बात है कि प्रिडिक्टेबिलिटी, अगर आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में शंका होती है, विश्वास होता है. यू हैव बीन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिफोर, मींस यू हैव बीन रीडिंग साइंस एंड ऑल.
given a choice, आप साक्ष्य पे यकीन करना चाहेंगे या विश्वास पे? देखिए, अगर आपका गैंग्रीन हुआ है पैर में, तो विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि कुछ नहीं हुआ है आपको। अगर साइंस से बताऊंगा तो पैर काटना पड़ेगा, अभी आप डिसाइड कर लो। पेशेंट्स को बताया जाता है कि देखो, अगर हम नहीं काटेंगे तो आपका पैर सड़ जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो आप विश्वास नहीं, हमने गुरु जी ने कहा है कि हम नहाएंगे, वहां पे वो आपका डिसीजन है, वो आपका चॉइस है, आपकी स्वतंत्रता है। कोई आपको कहेगा कि आपके पति चोर है, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो हरिश्चंद्र राजा है। तो अभी मैं प्रमाण देता हूँ कि देखो देखो, मेरे पास इतनी फोटो है, प्रूफ है, इंस्टाग्राम में वीडियो मिल गया मुझे, ये सीसीटीवी, ये सब झूठ है। उसे पुत्र मोह कहते हैं ना, पुत्र मोह को। पिता बेटे से इतना प्यार करता है कि जितना भी आप प्रमाण दो वो शंका नहीं करेगा। तो अहंकार को शंका पसंद नहीं है, विश्वास से चलता है। लेकिन साइंस की दुनिया शंका होती है, डाउट, इट्स कॉल्ड फॉल्सिफायबिलिटी। यू कांट, अगर आप पीएचडी लिख रहे हो तो हम वो कहेंगे डिफेंड योर थीसिस, कि आपको डिफेंड करना कि हर चीज का प्रमाण दो, हर चीज का प्रमाण दो, स्टेटिस्टिक्स दो। ऐसे नहीं कि आप आ गए और मैं, मुझे लगता है सोना चांदी में कोई फर्क नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे गुरु जी ने कहा है। ठीक है, जो है कि गो टू द ज्वेलर, ज्वेलर के पास आप चांदी लेके जाओगे तो सोने का भाव नहीं देगा। ये नहीं, मेरे गुरु जी ने कहा है कि सोने चांदी में कोई फर्क नहीं है, सब मिट्टी है। दुकान के बाहर, दुकान के अंदर विज्ञान होगा कि भैया गोल्ड का वैल्यू इतना है, सिल्वर का वैल्यू इतना है, उसका वो मार्केट डिसाइड कर रही है। सो सच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स आइडिया। तो आप कौन सा सच पसंद करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। देखो जी, आपकी रीसेंट बुक के बारे में, गरुण पुराण, गरुण पुराण क्या, गरुण पुराण नॉर्मली लोग तब सुनते हैं जब उनके घर में कोई कैजुअलिटी होती है, उनकी फैमिली में कोई कैजुअलिटी हुई होती है। क्या गरुण पुराण बस वही है या उसके परे भी कुछ और है? Is there something else in Garuda Purana rather than describing the sin and the punishment which each sin attracts to? Garuda Purana एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, उसमें एक पोर्शन है जिसे प्रेत कल्प कहते हैं। तो प्रेत कल्प का ये भाग होता है और ये मृत्यु के समय लोग, it is not in every Hindu community, in many Hindu communities जब मृत्यु होती है तो ब्राह्मण आके उस समय जब वो आप क्रिया कर रहे हैं तो उस समय वो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। एंड इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर अमंगस्ट कि ये पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। लेकिन गरुड़ पुराण की भी एक इतिहास है, हाउ ओल्ड इज द बुक। वेदों में गरुड़ पुराण में जितना लिखा हुआ है वो आपको ऋग्वेद में नहीं मिलेगा, सामवेद में नहीं मिलेगा, यजुर्वेद में नहीं मिलेगा, यथर्ववेद में नहीं मिलेगा, गृहसूत्र में नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन होके प्लीज पूछ रहा हूँ आपको, मैंने सोचा था ये क्वेश्चन जब भी आपसे मुलाकात होगी तो पूछूंगा। हम दो भागों में डिवाइडेड है, एक क्लास ऑफ स्कॉलर कहता है देयर आर थ्री वेद्स ओरिजिनली, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, एंड अथर्वेद जॉइंड द लीग मेनी इयर्स आफ्टर। क्या ये सत्य है? सत्य ये ओपिनियन नहीं है, गूगल कर लीजिए, गूगल पे सब इंफॉर्मेशन क्लियरली मिल जाएगी। तो अथर्ववेद, अभी अगर आप ऋग्वेद के श्लोक देखें तो 90% ऑफ ऋग्वेद के श्लोक आपको सामवेद में मिलेंगे, यजुर्वेद में 40% जितने भी मंत्र है। यजुर्वेद में मंत्र भी होते हैं और प्रोज और पोएट्री होता है, जो पोएट्री सेक्शन को हम मंत्र कहते हैं उसका 40% इज फ्रॉम ऋग्वेद होती है। तो इसलिए इन तीनों को त्राई कहा जाता है क्योंकि ये यज्ञ परंपरा में इस्तेमाल होता है। अथर्ववेद हैज नथिंग टू डू विद यज्ञ, उसमें यज्ञ के बारे में बात नहीं करते, इसलिए हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं। और अगर आप बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पढ़े, चाणक्य पढ़े, तो वहां पे वो तीन वेद ही बोलेंगे क्योंकि दे आर रिफरिंग टू यज्ञ परंपरा। तो यज्ञ परंपरा में पहली बार हमें पितरों के बारे में सुनने को मिलता है। तो पितरों के बारे में जो गरुड़ पुराण में पितर की बात होती है उसका पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में इतना मृत्यु के बारे में बताया गया है, शादी के बारे में बताया गया, बट दैट इज मोर पर्सनल इश्यूज। तो अथर्ववेद यज्ञ परंपरा के बारे में नहीं बात करता, इसलिए उसे अलग रखा गया है, दैट्स ऑल। पर उसमें सबसे ज्यादा ओरिजिनल पोएट्री है। पितरों की बात चली है तो एक आम इंसान को एक्चुअली नहीं पता होता कि पितर होते क्या हैं, इस बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएंगे ऑडियंस। तो जब लोगों का विश्वास है कि हमारे हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, तो
ये एक ब्रॉडली एक आइडिया पूरी दुनिया में होती है कि एक स्पिरिट होता है एक विच डज नॉट डाई। तो मरने के बाद इसको क्या होता है, तो लोग कहते हैं कि भूत के हिसाब से रहते हैं। तो पहले जमाने में लोग मानते थे कि भूत के हिसाब से हमारे चारों तरफ जो भी मरे हुए पूर्वज हैं वो चारों तरफ रह रहे हैं, दे आर देयर एवरीवेयर। और पहले जमाने में सबसे पुरानी जो रिलीजन है वो इन पूर्वजों की पूजा करते थे कि भूत के हिसाब से रहते हैं। और अगर इसलिए हम बहुत ऐसे रिचुअल्स हैं जहां पर भूत को माना जाता है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भूत जो धरती पे रहते हैं वो उनके लिए एक अलग दुनिया है जिसे हम पितृलोक कहते हैं, और मृत्यु के समय अगर हमने ठीक तरह से श्राद्ध कर दिया तो ये जो जिसको हम प्रेत कहते हैं, तो स्पिरिट जो है वो प्रेत पितृ में बदल जाता है। तो मरने के बाद आपके शरीर से प्रेत निकलता है, उसका क्या होगा, उसको राह दिखाना है यमलोक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए पूरी एक क्रिया होती है, सो देयर इज अ होल सेट ऑफ रिचुअल्स दैट आर परफॉर्म, जिसके पश्चात वो पितृलोक चले जाएंगे। तो ये बहुत, ये 10 दिन का कार्य होता है, पहले जमाने एक साल का कार्य होता था, आजकल एक दिन में खत्म कर देते हैं क्योंकि आज इंस्टाग्राम का जमाना है तो सब कुछ पढ़ा हो। हाँ, बिकॉज मैंने देखा है कि कई इस इवन आफ्टर डेथ पीपल आर डिवाइडेड इनटू वेरियस काइंड ऑफ रिचुअल्स। सो कोई चौथा करता है, कोई तेरहवीं करते हैं, कुछ बरसी पहले कर लेते हैं, कुछ बरसी एक साल में करते हैं। सो दे आर ऑल्सो नॉट क्लियर अबाउट कि विच पाथ टू फॉलो। देखिए, ये हम 2-3 हजार साल की हिस्ट्री बता रहे हैं और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें बताई गई। तो जब हम वैदिक काल के स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो वहां पे अंत्येष्टि की बात हुई है, लेकिन वहां पे वो गंगा जल में अस्थि बहाना, अस्थि विसर्जन जो हम करते हैं उसका उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है। वो पहले जमाने में अस्थि को उठाते थे, घड़ा में डालते थे और घड़े को मिट्टी में, तो ग्रह सूत्र में वो जमीन में उसको गाड़ते थे। 90% लोग आज के डेट में हिंदू रिचुअल आजकल, तो ये जो प्रथा है पहली बार इसका उल्लेख हमें रामायण ग्रंथ में मिलता है। तो रामायण में पहली बार हम सुनते हैं कि सागर के पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से वो राख बन गए, तो उनका पुनर्जन्म कैसे होगा। तो भगीरथ प्रयास से गंगा जल धरती पे आती है, फिर जब गंगा आती है तो गंगा के अंदर अगर शिव जी के कृपा से गंगा आई है और गंगा के अंदर हम अगर अस्थि डालेंगे तो उनका पुनर्जन्म होगा। तो ये जो आइडिया है पुनर्जन्म और अस्थि विसर्जन, ये उपनिषद काल में शुरुआत होती है ये विश्वास। इसके पहले इतना क्लियर नहीं है, वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि उपनिषद काल के बाद जब उपनिषद होती है, राजा जनक ये एरिया जो है, कौशल एरिया जो है, कौशल काशी मिथिला ये एरिया में एक नया विचार आता है कि मृत्यु के बाद, उसके पहले वी आर नॉट वेरी श्योर, वो सिर्फ पितृलोक की बात करते हैं पर पुनर्जन्म की बात नहीं करते, स्वर्ग की बात करते हैं लेकिन पुनर्जन्म इज नॉट सो क्लियर, ऋण की बात करते हैं लेकिन मोक्ष की बात नहीं करते। लेकिन जब उपनिषद काल आता है तो उपनिषद काल में पुनर्जन्म की बात होती है। पुनर्जन्म की बात आती है तो लोग बोलते हैं अच्छा पितृलोक वो जाएंगे कैसे, तो लोग कहते हैं कि अच्छा तुमने ये श्राद्ध किया है उसके बाद अस्थि विसर्जन करना है। तो भगीरथ और श्री राम के साथ हम श्राद्ध के बारे में बहुत सुनते हैं, हर तीर्थ में श्राद्ध होता है, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हम नहीं देखते। पहले धर्मशास्त्र में वो सिर्फ श्राद्ध की बात करते हैं, लेकिन जो आजकल हम कर अस्थि विसर्जन ये सब जो बातें वो धीरे 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 करके हम पुराणों में उसका उल्लेख शुरू हो जाता है, अस्थि विसर्जन करना। ग्रहसूत्र में मैंने कहा जिस ग्रहसूत्र में वो जमीन के अंदर गाड़ते थे, फिर वो पानी की शुरुआत होती है। देखिए जैसे जब हम धर्मशास्त्र, लोगों को क्या होता है, हमको लगता है कि हर चीज समय के साथ, हम ये नहीं सोचते कि समय के साथ चीज बदलता है और लोगों का नॉलेज भी बदलता है, स्प्रेड भी बदलता है। तो जैसे मंदिर के, आजकल हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर जाते हैं, लेकिन मनुस्मृति में मंदिरों के बारे में कुछ बताया नहीं है। इनफैक्ट जो मंदिर की पुजारी है वो छोटी जात बताया गया, क्योंकि इनको श्राद्ध में मत बुलाओ, जब श्राद्ध होता है तो मंदिर की पुजारियों को मत बुलाओ क्योंकि वो श्रौत सूत्र नहीं करते, मतलब वो यज्ञ नहीं करते, वो मंदिर में जाते हैं, तो उनको छोटा दर्जा दिया गया है। लेकिन जब आप विष्णु धर्म शास्त्र पढ़ते हैं जो 10वीं शताब्दी की है,
वहां के मंदिरों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। जब आप निबंध पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र के निबंध पढ़ते हैं, तो वहां मंदिरों को इंपॉर्टेंस दिया गया। तो समय के साथ क्रियाएं भी बदलती रहती है। तो आजकल के जैसे आज हमने क्रिया बदल दिया कि बरसी नहीं होगी, फुल ईयर नहीं कर सकते हम लोग केवल देवी करेंगे। कुछ लोगों ने नहीं, ये भी नहीं होगा हमसे, आप एक दिन में सब कुछ करेंगे। तो बम्बई में तो फटाफट को कर लेंगे, तो एक साल में एक बार हम करेंगे। तो आजकल हम नेगोशिएट कर, शादी का भी ऐसे ही होता है ना। आज मेरे को इंस्टाग्रामेबल पिक्चर चाहिए, तो वो भैया वो हवन मत कीजिए इतना, तो वो फोटो अच्छा नहीं आता है। वो आपका जो पुरोहित है वो भी फोटो ले लेगा आपके साथ। तो जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो रही थी, तो शादी के समय जो शादी करवा रहे थे, बोलते थे कि जो वधु होगी वो वधु और वर वो किसी के पैर नहीं छुएंगे, क्योंकि शादी के समय वैदिक जब जनेऊ लगाया जाता है तो वो देवी देवता होते हैं, तो कोई किसी के पैर नहीं छुएंगे। जब मेरी दूसरी बहन की शादी हो रही थी, किसी को ये रूल नहीं पता था। तो मैंने देखा कि सबको बोल रहे थे वर वधु जाके बड़ों के पैर छुओ, बड़ों के पैर छुओ। तो दो साल के अंतर में मैंने देखा कि रिचुअल्स बदल गए। तो मुझे याद है, आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस। आई सेड बट वो आंटी बोल रही थी कि नहीं छूना है। अभी वो आंटी उस समय वेडिंग्स नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके पति मर गए थे, तो उनको बोला ना विधवा है, तो उनको अंदर। तो मैं उनके पास जाके कहा, इससे आजकल जमाना के साथ सब बदलता है। तो उस समय उनकी बात चल रही थी, उनका बात बदल गया। तो वैसे ही श्राद्ध का रिचुअल्स भी समय के साथ बदलता है। आई कैन वेरी वेल इमेजिन कि जब आप लोगों को बताते हो ना, ट्रोलिंग का शिकार होते होंगे कि देखो ये हर चीज में अपना। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखिए, ज्ञानी को अज्ञानी के साथ डील करना पड़ेगा। कभी एक आध बार मैं चिढ़ जाता हूं, क्योंकि मैं भी मनुष्य। फिर सरस्वती आके मेरे सामने बैठती है और बोलती है, तू और क्या बोलू बता। तो फिर सरस्वती आती है, तो मैं बोलती हूँ, मैं मूर्ख, क्योंकि ज्ञानी मूर्ख होता है, उसे पता है कि मैं मूर्ख हूं। अज्ञानी वो है जो उसको लगता है कि मैं मूर्ख नहीं हूं। वही अंतर है जो मूर्ख होता है। तो ये लाइफ में डील करना पड़ता है। अच्छा, आई एम कमिंग बैक टू करुण पुराण नाउ। करुण पुराण एक्सप्लेन्स वेरियस टाइप ऑफ सिन एंड द पनिशमेंट व्हिच एवरी सिन अट्रैक्ट। Rather, it explain it as a journey of sufferings which every Veda has to undergo after, after life. Or, kabhi kabhi, I'll be really honest with you. Sometimes it feel a little dramatic. Aisa preet ko aisa kadhai mein pakayenge, aisa karke usko pakode banayenge, aag se jalayenge aur kilo pe chalayenge types of thing. But I was wondering when I was reading it, there must be a specific cause or a specific reason for providing, if I dare can say, explicit details. Your thoughts on it? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ऐसा। तो देखिए, जब अब ऋग्वेद में नरक शब्द आता है, नरक शब्द, लेकिन वहाँ पे कुछ डिटेल नहीं है कि वो एक डार्क प्लेस है जहाँ पे बुरे लोग जाते हैं। बस ऐसे एक लाइन, एक ही लाइन है कि बहुत ही डार्क प्लेस है जहाँ पे बुरे लोग जाएंगे, जो यज्ञ नहीं करते हैं, जो चोरी करते हैं, वो सब वहाँ जाएंगे। बस इतना ही एक लाइन है। लेकिन जब आप पुराण शास्त्र में पहुंचते हैं, दैट इज अबाउट 2000 इयर्स लेटर, वहां पे नर्क का पूरा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन। महाभारत में नर्क केवल एक नर्क दिखाई देता है। जब युधिष्ठिर जाते हैं नर्क लोग, तो उनको एक ही नर्क दिखाई देता है जहां पे वो गंदी बास आती है और खून दिखाई देता है और पस दिखाई देता है, बहुत ही गंदे उल्टी दिखाई देता है। सो इट्स वेरी डर्टी प्लेस, बट एक ही जगह, और कुछ नहीं दिखाई। उनको किसी का शरीर नहीं दिखाई देता, आवाज सुनाई देता है उनके भाइयों का, आवाज द्रौपदी की, आवाज डिपार्टमेंट होता है, लगता है कि आपने कहीं गवर्नमेंट ऑफिस पहुंचे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में भी अलग प्रकार का टॉर्चर होता है ना। तो यहाँ पे वेट कर और इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप हिस्ट्री को देखते हो, कि जब पुराण में स्वर्ग नरक की बातों का इतना डिस्क्रिप्शन होता, स्वर्ग का इतना डिस्क्रिप्शन नहीं होता, नरक का ज्यादा है। और अग्नि पुराण में तो देयर इज मोर नरक, फिर पद्म पुराण में उससे ज्यादा नरक, तो हर कॉम्पिटिशन लगता है। तुम्हारे पुराण में 10 नरक है, तो मेरे पुराण में 20 नरक होंगे।
तो स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन। और आप देखोगे कि ये पुराण शास्त्र हमेशा लिखे जाते थे राज दरबार में, राज हर पुराण जो होता है नाउ स्कॉलर्स हैव रियलाइज्ड वो राज दरबार में लिखा जाता था। और राज राज को राज जो किंग होता है उसको सबसे ज्यादा पसंद क्या है, दंड, दंड। ये सबसे व्हाट इज द पावर ऑफ द किंग, द पावर ऑफ द किंग इज द राइट टू वायलेंस, मार सकता है। तो उसको ये बहुत अच्छा लगता था, अलग अलग प्रकार के दंड बताओ मुझे। क्या ये वजह हो सकती है दैट यू नो आर पुराना इंक्लूडिंग समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, से फॉर एग्जांपल अलग अलग जगह में लिखे गए थे, जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण कश्मीर में लिखा गया है, वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट विष्णु धर्मोत्तर पुराण हैज बीन रिटन इन कश्मीर। तो कश्मीर के राजाओं ने विष्णु धर्म प्रदान, और वहां पे यू नो देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट, अलग टॉपिक है। तो हर पुराण अलग अलग राजमंडल में लिखे गए थे, सो देयर इन्फ्लुएंस, जो पंडित होते थे पढ़ते थे तो वो अपना भी ब्रांड बनाना चाहते थे कि हम इनसे अलग हैं, तो फिर हम एक अलग पुराण लिखेंगे जो थोड़ा मेरा राजा को और अच्छा बताएगा। सो पुराण इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू राजसभा, वो राजा का जो दरबार होता है, राजमंडल कहते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। सो अभी बिफोर दैट आई वांट टू एक्सप्लेन, आपने एक वर्ड यूज किया अंग्रेजी में, दिस इज अनुवाद का प्रॉब्लम, देखिए आपने इस्तेमाल किया शब्द सिन, आप सिन का हिंदी अनुवाद दीजिए, अच्छा पाप का विपरीत बताइए, पुण्य का अंग्रेजी अनुवाद दीजिए। इंग्लिश वर्ड सिन का ऑपोजिट नहीं है, देखिए जैसे इस्लाम में हराम और हलाल होता है, हराम का मतलब है आपने रूल तोड़ा, हलाल का मतलब है आपने रूल फॉलो किया। टू, दोनों में हम रूल शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाप का मतलब क्या है, मैंने बुरा काम किया, मैंने अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पे हम रूल्स, कौन सी रूल्स बात कर रहे हैं, कि किसने कहा ये काम अच्छा है बुरा है, क्योंकि जब तो ये पाप और पुण्य की कॉन्सेप्ट पुनर्जन्म की दुनिया से आती है, सिन यानी कि हराम हलाल का कॉन्सेप्ट उस दुनिया से आती है जहां पे लोगों का विश्वास है कि आप एक ही जिंदगी जीते हो, यू लिव ओनली वंस। तो जहां पे लोग विश्वास करते हैं कि ये एक ही जिंदगी है, इसके बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद कयामत के दिन हमें अल्लाह के सामने जाके अपना प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमने जिंदगी में क्या किया है सर, हराम हलाल, और फिर क्योंकि इज रसूल, ही इज अ फॉरगिविंग पर्सन, वो हमें क्षमा करेंगे और हमें जन्नत लेके जाएंगे। अगर हमने घमंड दिखाया एंड वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि हमने गलती की है, हमें जहन्नुम में डाल देंगे। ये है जहां पे लोगों का ये विश्वास है कि मैं एक जिंदगी जीता। भारत एरिया में दैट इज इंडिया में पुनर्जन्म का विश्वास है, तो पुनर्जन्म की दुनिया में हम पाप और पुण्य की बात करते हैं, यहां पे हम लीगल सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं, यहां पे फाइनेंशियल सिस्टम, आपको फाइनेंस पसंद है तो यहां पे हम चित्रगुप्त की बात करते हैं जो अकाउंटिंग के देवता है। तो हमारा तो जो अरबी देश है, पर्शिया, ईरान, वहां से जो विचार आए, वहां पे उन्होंने कहा कि भगवान न्यायाधीश है। भारत में हमने कहा कि भगवान को पता नहीं भगवान तो क्या है, लेकिन भगवान के जो थोड़े छोटे भगवान है, यमराज है, चित्रगुप्त है, वो जरूर अकाउंटेंट है, वो अकाउंट्स हिसाब रखते हैं। और जैसे आपने अच्छा बुरा, जैसे डेट और इक्विटी होता है, डेट एंड इक्विटी होता रहता है, तो पुण्य का मतलब है इक्विटी, पाप का मतलब है डेट। डेट होगा तो आप नर्क में जाओगे, इक्विटी होगा तो स्वर्ग में जाओगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, लेकिन हम दोनों को जोड़ देते हैं, हराम हलाल, पुण्य पाप, इसलिए लोगों में लड़ाई होती है कि वो समझ नहीं रहे हैं कि देखो ये चाइनीज खाना और थाई खाना और मुगलाई खाना और यू नो साउथ इंडियन खाना वो अलग अलग प्रकार से बनता है, सब खाना है लेकिन अलग अलग प्रकार के। वैसे ही जो मिडिल ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हराम हलाल, जन्नत जहन्नुम, ये एक अलग विचार है। और एक दूसरी विचार है पुनर्जन्म की बातें, नर्क स्वर्ग की बातें, पुण्य, यहाँ पे अकाउंटिंग की भाषा चल रही है।
तो मोक्ष का मतलब है जब आप ऋण से मुक्त होते हो, तो लोग कहेंगे कि तुम्हारा पितृ ऋण है तो तुम्हें बच्चा पैदा करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, जब तक पितृ ऋण। इसलिए भीष्म पिता, महाभारत में हम देखते हैं कि महाभारत में ये हमेशा, मैं बचपन में पूछता था ये स्टोरी, अपने महाभारत में फेमस स्टोरी है ना, कि देवव्रत नामक एक राजकुमार था जो अपने पिता से कहता है कि पिताजी अगर आपको शादी करना है शादी कर लीजिए, तो दूसरी पत्नी कहती है कि नहीं 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 मेरा बेटा राजा बनेगा। उसने ठीक है आपका राजा, मुझे कैसे पता कि तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे के बीच में लड़ाई होगा, ठीक है मैं शादी नहीं करूंगा। तो लोगों ने कहा शादी नहीं करेगा, तू तो भीष्म है, इतनी बड़ी बात क्या है शादी नहीं करने से, आजकल तो बड़े बड़े राजा शादी नहीं करते, तो हम उन्हें भीष्म बोलते हैं क्या, इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या, उन्हें भीष्म पदवी क्यों दी जाती है, तो मैं भी शादी नहीं किया तो मैं भीष्म हूं। तो मुझे समझ में नहीं आती भीष्म शब्द क्यों है। तो फिर मैंने देखा कि देखो इसने क्या किया है, उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, बच्चा पैदा नहीं करूंगा, यानी कि मैं पितृ ऋण नहीं निभाऊंगा। अगर तुम पितृ ऋण नहीं निभाओगे तो तुम मरने के पश्चात तुम्हारा पुनर्जन्म कैसे होगा, क्योंकि धरती पे तुम्हारा कोई वंशज नहीं है, अगर वंशज नहीं है तो तुम्हारा पुनर्जन्म कैसे होगा, तो तुम अटक रहोगे, तुम पितृलोक में अटके हो और तुम्हारा कोई श्राद्ध में तुम्हें पिंडदान नहीं दे रहा है तो तुम भूखे हो, तो पितृलोक में तुम अकेले हो, भूखे हो और वहां से कोई एस्केप नहीं है, इसलिए उसे भीष्म कहा गया है। इसलिए भीष्माष्टमी होता है जनवरी के समय, उत्तरायण के समय, एक बहुत ही बड़ा वैष्णव मंदिरों में भीष्माष्टमी होता है जब सभी वैष्णव श्राद्ध करते हैं भीष्म के लिए ताकि उसे पिंडदान मिले। अब ये सब बातें लोगों को नहीं पता है, ये श्राद्ध से जुड़ी हुई है महाभारत में, इसलिए वो भीष्म पितामह है कि जिसने कहा कि मेरे पिता के सुख के लिए मैं पितृ ऋण नहीं निभाऊंगा, और इसलिए वो अटका हुआ अभी भी अटका, इसलिए वो जब मरते समय लोग कहते हैं कि वो इच्छा मृत्यु है उनके पास, तो उन्होंने कहते हैं कि युद्ध हुआ था दिसंबर के समय अराउंड विंटर, तो वो बोलते कि नहीं मैं अभी नहीं मरूंगा, क्यों नहीं मरूंगा, नहीं उत्तरायण में मरूंगा, क्योंकि मैं पितरों को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं हूं, इसलिए मैं दक्षिणायण में मेरी मृत्यु नहीं होगी, उत्तरायण में होगा, क्योंकि मैंने पितृ का ऋण नहीं निभाया है, मैं हमेशा नर्क में रहूंगा। अब ये कैसे समझाएं, ट्रोल को बताइए। I remember you explaining the concept of Rajkumari Matari. So I understand how do you handle your role. Okay, coming back to the Garam Prana, whatever description was there about the suffering of Preta, a journey of suffering of Preta, does this not contradict with the soul theory? The Lord Krishna himself propounded Nanam Chintante Sastrani. तो बात यह है, जैसे मैंने कहा ऋण की बात है, वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज्म इज ऋण, अगर तुमने ऋण चुकाया है तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, और वो भी इतना आसान नहीं है। देखिए डेट आप समझते हो, सो ईदर आई ओ यू मनी और यू ओ मी मनी, इफ आई डोंट ओ एनीबॉडी एनी मनी तो टेक्निकली मुझे मोक्ष मिलना चाहिए क्योंकि मैं, लेकिन इफ यू ओ मी मनी तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, बिकॉज टिल यू डोंट रीपे मैं कहां जाऊंगा, सो आई हैव टू राइट ऑफ लोन्स। जब तक तुम राइट ऑफ नहीं करोगे लोन्स, तो अगर आपको मोक्ष चाहिए तो दो चीज करना है, सारा ऋण भरना है, सबका ऋण रीपे एवरीबडी, और जो तुम्हें वो करता है उसका लोन राइट ऑफ कीजिए, राइट ऑफ ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम, इन माई लाइफ टाइम की नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हम दिगंबरों की पूजा करते हैं, दिगंबर क्या है, उसके पास कुछ नहीं, ना कुछ लेता है ना कुछ देता है, क्यों नहीं लेता है, बोलता है मैंने राइट ऑफ कर लिया तो मुझे कुछ दीजिए, और क्यों नहीं देता है, तो उसका ऋणी नहीं है, वो तो उस देने की आवश्यकता नहीं है, फिर वो मोक्ष प्राप्त होता है। जिसके पास लोन होता है तो लोन से बोलते ना मुझे लोन नहीं चाहिए, लोन को नर्क में जाएगा, और जिसके पास लोन लेना है वो स्वर्ग में जाएगा। अगर जो स्वर्ग में अभी अनुभवी है तो अमीर आदमी है, अच्छा कर्म किए होंगे, यानी कि लास्ट लाइफ में उसने इतना लोन दिया है लोगों को कि इस जन्म में उसको लोन रिपेमेंट हो रहा है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन तुमने सब रिमेंट, उसके बाद अगर तुमने लोन लिया
लिया किसी से तो फिर वापस नरक की तरफ जाओगे। सो ये कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट है, एक तो साइकिल जो ऋतु चक्र है जो लोग डेट और इक्विटी के बीच में अटका हुआ है, नर स्वर्ग के बारे में बात करते हैं हम लोग, पाप पुण्य की दुनिया है, और श्री कृष्ण एक बोल रहे हैं कि एक दुनिया है, उसका अल्टरनेट दुनिया है कि तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्मकांड से दूर रहिए, कि स्टॉप बीइंग पार्ट, फैमिली नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप श्रवण बन जाइए, यू बिकम अ सन्यासी। तो ये एक प्रकार का एक ग्रुप हो गया, तो इसे हम श्रवण परंपरा कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण परंपरा ने कहा कि नहीं नहीं, ये फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बाल बच्चे घर गृहस्थी ये बातें करना तो पड़ेगा, लेकिन अगर ये करोगे तो ऋणी बन जाओगे, तो फिर आप अटक गए। तो फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखो, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज आई एम टेलिंग इट इन लखनऊ, लखनऊ इज लैंड ऑफ अयोध्या, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, यहां पे ये कॉन्सेप्ट उन्होंने एक नया उपाय निकाला, ठीक है तुम काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यानी कि तुम्हें ऋण कभी नहीं लगेगा, यानी कि श्री कृष्ण इतना अच्छा धर्म स्थापना करते हैं, लास्ट में उनको क्या मिलता है, गांधारी का श्राप, और अपने घर अपने धर्म स्थापना उन्होंने किया है, और लास्ट में वो देखते हैं कि प्रभास तीर्थ में यादव स्थल में अपने बेटे लड़ रहे हैं। तो आप बोलोगे कि कर भला तो पाप भला, कृष्ण तो भला किया है, पाया भला, तो जो भी धर्म स्थापना करने जाते हैं मैं बोलता हूं कि श्राप लगेगा, गांधारी का श्राप लगेगा, और तुम्हारे बच्चे तो बर्बाद हो जाएंगे। जब ये मैं बताता हूं तो बोलते कि यार देवदत्त यू आर वेस्टर्न थिंकिंग, पाश्चात्य, ऐसे मैंने तो ये पूरा शास्त्र से निकाला है, तुम्हें शास्त्र से डर लगता है, मुंह खोलो, क्योंकि शास्त्र में भयानक चीजें होती है। राम महाभारत में श्री कृष्ण धर्म स्थापना करते हैं, पाप है या पुण्य बताइए, लोग बोलेंगे पुण्य है, तो इसे गांधारी का श्राप तो पुण्य करने से भी श्राप लग सकता है, इसलिए भगवान भी गारंटी नहीं देते, बोलते हैं कि फल की चिंता मत करिए। As I promised, अपना पेट काट के मैं ऑडियंस के लिए हाउस ओपन करना चाहूंगा, अगर ऑडियंस में से कोई नहीं है तो मुझे बहुत खुशी होगी, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। अरे ओके, लेट मी पिक, ओके दैट लेडी इन द ग्रीन, डू वी हैव अ माइक फॉर हर, प्लीज प्लीज अ माइक प्लीज, अ माइक इज माई नेम इज प्रोफेसर ए जे अंसारी, मैं एक मुस्लिम हूँ।
इस्लाम में सवाब और गुनाह का कॉन्सेप्ट है और ये माना जाता है कि हमारे दोनों कंधों पे दो फरिश्ते होते हैं। एक तरफ का फरिश्ता जो है वो गुनाह रिकॉर्ड करता है और एक तरफ का फरिश्ता सवाब जो हम करते हैं और गुनाह जो हम करते हैं। तो कभी ये कॉन्सेप्ट जब बताया गया तो तब यकीन नहीं लोगों को था, लेकिन आज की इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हुए हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि हो सकता है ऐसा कुछ पॉसिबल हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आदमी, एक तो इस्लाम में एक ही जन्म का कॉन्सेप्ट है, ये तो सबको मालूम है, तो इंसान जब मरता है तो जब दफनाया जाता है तो कयामत तो बहुत दूर की बात है, कब्र के अजाब भी बहुत होते हैं। अब उसमें तरह तरह के डिस्क्रिप्शंस हैं कि सांप और बिच्छू और फलाना और ढिमाका, और वो तो किसी ने देखा नहीं है, किसी ने बताया नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है। और फिर जब कयामत आएगी तो उस वक्त आपका हिसाब किताब होगा। वो भी क्वेश्चन नहीं है कि अभी रिसेंटली एक मूवी आई है गुड बाई, शायद किसी ने यहाँ पर देखा हो, तो हिंदू रिचुअल्स के बारे में उसमें बड़ी मजेदार बातें हैं, और जिसने उस मूवी को नहीं देखा है उस मूवी को जरूर देखे। बस इतनी बात मुझे। थैंक यू। See, I'll not get the opportunity again to ask this question from a man who is a masterpiece in mythological stories and also from healthcare industry. So I'm sorry if I'm taking this opportunity to ask you this question, because I know this, I mean, according to me, you are the one who can answer it for me. Look, so the question here is, since you also hail from healthcare industry and you have also read so many mythological books, my question is, do you feel, or again, I have got the point, you said belief and fiction and fact. Do you believe that there is something like seven chakras in a human being? See, that's a model to explain a lot of things. So the old scientific, you must understand, in ancient India, you were not allowed to cut dead bodies. So Bharat mein, jo चिकित्सा करने के लिए जो डॉक्टर्स होते थे, दे वर नॉट अलाउड टू कट डेड बॉडीज, क्योंकि इससे आप अशुद्ध हो जाते हो। तो अशुद्ध हो जाते हो, और यहाँ पे जाति प्रथा बहुत बड़ी थी, सो एनीबडी एसोसिएटेड विद डेड बॉडीज इज कंसिडर्ड टू बी इम्प्योर। तो जो एजुकेटेड लोग थे, दे कुड नॉट स्टडी द ह्यूमन बॉडी द वे मॉडर्न साइंस स्टडीज। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाओ तो पहले साल आपको एक मुर्दा को काटना पड़ेगा। So you're not allowed to touch the body. So they have created the concept of chakras to, as a model to understand the human body. So जब आपको कटिंग अलाउड नहीं है, शरीर को काट नहीं सकते, तो आप अंदर की बातें कैसे समझाओगे लोगों को? तो आपने चक्र का माध्यम इस्तेमाल किया है। So it is very popular amongst Buddhist scholars, Jain scholars, Hindu scholars, and lot of doctors. तंत्र विद्या इसको कहा गया, तंत्र से तंत्र की विद्या, शरीर की विद्या। बट मॉडर्न साइंस में आई हैव टू कट द बॉडी, सो आई हैव सीन द हार्ट, मुझे लंग्स का वेट पता है, मुझे लिवर का वेट पता है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर इज नॉट अलाउड टू कट द बॉडी, ही वॉज अलाउड इन द अर्ली डेज जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद एनी कॉन्टैक्ट विद ब्लड आप अशुद्ध हो जाए। तो इवन द ब्राह्मिन स्ट्रक्चर, अगर आप डॉक्टर हो तो आपका दर्जा नीचे होता है, क्योंकि आप अशुभ काम कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वी डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए मेडिकल साइंस इन इंडिया प्रोग्रेसेस एंड देन स्टॉप्स। इसलिए मेडिकल साइंस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कि वो आपका पल्स देखते हैं, वो आपका जीभ देखते हैं, बट दे कांट डू व्हाट आजकल आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। ये आयुर्वेद में दे आर नॉट अलाउड, वो अशुभ है, बिकॉज एनी कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स आपको फिर 10 दिन घर के बाहर रुकना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बोले हमको नहीं करना है। सो दैट हैज, सो वी क्रिएटेड अ न्यू वे ऑफ स्टडी, एंड दैट इज दे स्टडीड दिस ऑब्जर्वेशंस, को प्रोटो ऑब्जर्वेशनल मेथड बोलते हैं, बट इट्स नॉट क्वाइट, इट्स क्वासी साइंटिफिक, इट इज नॉट कंप्लीटली साइंटिफिक, बट इट्स क्वासी साइंटिफिक।
ओके थैंक यू यस यस सर इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन जो भी है उसमें जो फलक्रम है दैट इज लॉ ऑफ कर्म थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ कर्म व्हिच एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ योर लाइफ बर्थ योर वाइफ समय के साथ नया नॉलेज आता है पुराना चला जाता है तो जितने आप पुराण पुराण इज बिकम फेमस बट मनुस्मृति में भी उसका वर्णन है भागवत पुराण में भी नरकों का वर्णन है सो जस्ट गो गूगल सर्च एंड से मुझे आई वांट टू सी नरक का वर्णन गरुड़ पुराण वर्सेस महाभारत वर्सेस अग्नि पुराण वर्सेस पद्म पुराण आपको इतना डिफरेंस दिखाई देगा तो आप बोलोगे सच कौन सा है तो समय के साथ दीस आइडियाज कीप चेंजिंग श्राद्ध कितने दिन का होना चाहिए दो दिन का चार दिन का दस दिन का बारह दिन का पैसे के हिसाब से डिसाइड होता है तो राजमहल में तो चलता रहता है जब तक युवराज नहीं आएंगे तो वो समय के साथ वो ब्राह्मण को मिलेगा दक्षिणा जितना मिलेगा तब तक मैं श्राद्ध करता रहूंगा सो इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक रीजन देयर इज अ पॉलिटिकल रीजन तो ये सब अगर सचमुच में शास्त्री बनना है तो यू हैव टू स्टडी इट फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू अहंकार को बाहर छोड़ना पड़ेगा पहले और उसके बाद सरस्वती को ग्रहण करना पड़ेगा लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम अहंकार को त्याग नहीं कर सकते क्योंकि अहंकार को त्याग नहीं करते सरस्वती हमारे पास नहीं आती या प्लीज यू हैव टू आई थिंक लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन है सर ऐसे मुझे दो क्वेश्चन करने पर टाइम लेगा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा वन यस सर जैसा कि माना गया है कि आयु निश्चित है लेकिन एक तरफ यह भी विश्वास चलता है कि व्रत और कर्मकांड और कुछ दर्शन करने से आयु बढ़ती है तो हर वर्ष जैसे करवा चौथ हो रहा और विभिन्न प्रकार की सनातन धर्म में पूजाएं तो इस पे आपका क्या मत है क्या कर्मकांड से आयु बढ़ती या घटती है देखिए भारत में सबसे फेमस थिंग क्या है दुनिया को हमने दिया है हम सर को ऐसे से हिलाते हैं इसका मतलब है हाँ भी है नहीं भी है इसको इंडियन हेड बॉब बोलते हैं हम मुंडी हिलाते रहते हैं ना तो भारत में हम कभी क्लियर आंसर नहीं देंगे आपके पूर्वज क्लियर आंसर नहीं देते थे आज के आपके नेता भी क्लियर आंसर नहीं देते मम्मी पापा भी क्लियर आंसर नहीं देंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी यस नो मेबी आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द क्लियरेस्ट आंसर्स यू कुड गिव एनी क्वेश्चन इन एनी सेशन मैम थैंक यू सो मच थैंक यू आई एम अफ्रेड आई हैव टू क्लोज द सेशन प्लीज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देवदत्त पटनायक जी आपने अपने स्पीच में पावर ऑफ किंग का किया आज हम दैट्स अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द पावर ऑफ वर्ड्स दैट यू यूज्ड दैट हैव अमेज्ड अस ऑल एंड इम्प्रेस्ड अस ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस इनलाइटनिंग सेशन एंड आई वुड रिक्वेस्ट प्रशांत कुमार सिंह प्लीज कम अप ऑन स्टेज टू गिव अ स्मॉल टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड to Devdutt Patnaik. The claps should continue, please. Sharad Bindal, the director of KLF, needs to be acknowledged for all the efforts he has put in to bring this together and also moderating such a wonderful session that I'm sure has been enlightening to one and all. Thank you very much. We should be starting with our next session very, very soon.